नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। आज की हाइलाइट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, एक नए स्टार्टअप एक्सपोर्टर को क्या मिल रहा है और कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारी लास्ट एफटीपी यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी वो 15-20 थी, यानी 15 से लेकर 20 तक के लिए उसके अंदर पूरा मेमोरेंडम बनाया हुआ था, बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से उसे एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 2023 तक। एंड नाउ अब जैसा हम लोगों को पता है कि 31 मार्च 2023 जा चुकी है, तो अब फॉरेन पॉलिसी का जो पार्ट है वो नई फॉरेन पॉलिसी जो है वो आ गई है। तो हम देखेंगे कि नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या है। जैसा मैंने आपको कहा कि एफटीपी 2015-20 विच वॉज एंड टू ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एक्सटेंडेड ड्यू टू कोविड पैंडेमिक एंड वायलेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो टिल 31 मार्च 2023। तो यहां पे एफटीपी जो है वो एक्सटेंडेड होके आ चुकी है। नाउ द इंपोर्टेंट थिंग, हम लोग की हाइलाइट्स पे बात करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके लिए भी और अगर आप करना चाहते हो तो भी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल विद कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडिया हैज रीच रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन अ मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंडियाज मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस रिकॉर्ड $760 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। सो इट्स अ रियली, आप बोल सकते हो, एक मिरेकल सिग्निफिकेंट हम इसे कह सकते हैं, एक डायनेमिक ग्रोथ हम इसे कह सकते हैं। एफटीपी 15-20 कंट्रीब्यूटेड टू दिस इलस्ट्रेशन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो अभी अगर हम डाटा से देखें दोस्तों इसमें, तो 2016 के अंदर यहां पे $435 बिलियन था, जो 22 के अंदर 676 बिलियन हुआ, एंड 23 का जो एक्सपेक्टेड है वो $760 बिलियन का है मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट, एंड इट्स अ रियली वेरी हाई। अगर हम देखें तो सिर्फ एक 6-7 साल के ग्रोथ के अंदर ही पूरा मार्केट जो है वो चेंज हो चुका है। सो पॉलिसी में क्या क्या है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ बीइंग अनाउंस्ड टू प्रोवाइड द पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड द रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क। ये सब आपको लोग, आप लोग भी डीजीएफटी से डाउनलोड करके इनको जो भी चीजें हैं, मैं इंपोर्टेंट चीजों की बात करूंगा। अब इसमें न्यू एफटीपी अप्रोच क्या है, फ्रॉम इंसेंटिव टू टैक्स रेमिशन, ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन एंड कंटिन्यूस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलोबरेशन एक्सपोर्टर्स स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यानी सभी चीजों का एक मिक्सर बनाया गया है। सभी चीजों के साथ में इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं। अब की हाइलाइट्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड ई इनिशिएटिव। जैसा कि हमने लास्ट इस साल में बहुत देखा है कि डीजीएफटी पे चेंजेज हुए हैं, आइस गेट पे चेंजेज हुए हैं, एमएसएमई बोलिए, आप जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स थे उन सारे पोर्टल्स पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेज किए गए हैं, और उन चेंजेस का उन्हें ज्यादा ज्यादा ऑटोमेशन पे लाया गया है। एक्सपोर्ट एक बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, बट ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ये बहुत स्लो हो जाता है। गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर रही है, डिपार्टमेंट इन चीजों पे काम कर रहे हैं, बिकॉज वो समझते हैं उस बात को कि अगर थोड़ा सा प्रोसेस इजी किया गया तो बहुत फास्ट काम हो सकता है। तो ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ वेरियस परमिशन अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेस्ड ऑन प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, रिडक्शन इन प्रोसेसिंग टाइम एंड इमीडिएट अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। यानी अब आने वाले समय में जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो, इन एप्लीकेशन का जो टाइम है वो ऑटोमेटिक रूट के ऊपर बहुत इजी हो जाएगा। जैसे एडवांस ऑथोराइजेशन के अंदर पहले 3-7 डेज का मिनिमम टाइम लगता था, जो अभी 1 डेज है। ईपीसीजी के अंदर 3-7 डेज था, जो 1 डेज है। रिवैलिडेशन ऑफ ऑथोराइजेशन 3 डेज to 1 month का टाइम लगता था, जो सिर्फ अब सिंगल डे में होगा। एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड जो 3 डेज to 1 month का होता था, वो भी अभी 1 दिन में हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज मैं कह सकता हूं कि ऑटोमेशन पार्ट, जो काम आपको एक 7 डेज का लगता था, अगर वो ऑटोमेटिक पीरियड के ऊपर अगर 1 दिन में हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से बूस्टर होगा एक्सपोर्टर्स के लिए। अगेन द एमएसएमई, बहुत सारे लोग, जब मैं कहता हूं कि एमएसएमई डॉक्यूमेंट इज नॉट अ मैंडेटरी बट इज मोर देन मैंडेटरी पार्ट, सो लुक नाउ, यहां पे एमएसएमई के हिसाब से भी गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर रही है।
जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखो लाइसेंस के अंदर भी जो भी इनके हैं कि यहाँ पे पहले 1000 रुपए तक ले रहे थे, रिड्यूस चार्जेस फॉर एमएसएमई 100 रुपए, 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का अगर किसी का लाइसेंस वैल्यू था तो उसके लिए अभी 5000 रुपए एंड अबाउट 10 करोड़ रुपीज 5000 रुपए। तो ये एमएसएमई को एक बेनिफिट अलग से दिया गया है। ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन बहुत सारे जो ईपीसीज हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चैंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, सारे लोग बनाते हैं, बट ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो ई सर्टिफिकेट अब इसमें इश्यू कर दिया गया है, जिसमें रिवैम्प ऑफ द ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्लेटफॉर्म प्रपोज टू प्रोवाइड फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ सीईओ एज वेल एज ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ सीईओज वेर फेजिबल। तो यहां पे एक बहुत बड़ा आप देख सकते हो कि अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको क्विक मिल रहा है, ऑटोमेशन पे मिल रहा है, तो बहुत सारे स्टार्टअप सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की वजह से भी देखा गया है कि बहुत बार इश्यूज होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज डाटा है विद पार्टनर कंट्रीज के साथ में भी ये वैलिड होगा, यानी जिस कंट्रीज के लिए आप बना रहे हो, जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे भी ये कॉपी जो है वो वैलिड होगी। इसके अलावा पेपरलेस फाइलिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज एप्लीकेशन, अब पेपरलेस फाइलिंग होगी, यानी इसको भी ऑटोमेशन में लेके आ रहे, इलेक्ट्रॉनिक वे आउट में ला रहे हैं, ताकि कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस सिस्टम हो सके। अब एक बहुत बड़ा चेंज जो इसमें आया है वो मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पे स्टेटस होल्डर जो है एक्सपोर्ट के लिए थ्रेशोल्ड ये यहां पे किया गया है। अब स्टेटस होल्डर की अगर हम बात करें तो जैसे पहले एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बनने के लिए 3 USD मिलियन यानी नियर अबाउट अगर आप पकड़ते हो तो 25 to 30 करोड़ के बीच के अंदर आपको लगता था। 2 स्टार पे जाने के लिए मोर देन हो जाता था, 3 स्टार 5 4 स्टार 5 स्टार। अब यहां पे इसकी वैल्यू भी रिवाइज की गई है, अब 1 स्टार के लिए तो 3 ही रखा गया है, 3 मिलियन का अगर आप काम कर रहे हो यूएसडी का तो यू कैन बिकम ए 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। बट यहां पे आप देख सकते हो 2 स्टार के लिए 10 मिलियन डाउन किए गए हैं, उसी तरीके से 3 स्टार के लिए यहां पे पूरा 50 मिलियन डाउन किया गया है, 4 स्टार के लिए भी यहां पे 300 के करीब डाउन किया गया है, 5 स्टार के लिए 1200 के करीब डाउन किया गया है। ये अब अपने आप में एक है कि जो लोग स्टेटस होल्डर नहीं ले पाते थे, जो लोग स्टेटस लेना चाहते थे एज एन बीइंग एक्सपोर्ट हाउस बट थोड़ा बहुत आगे पीछे होते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा बूस्टिंग, क्योंकि जब आप स्टेटस होल्डर बन जाते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और आपको बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। एक जो और यहां पे सबसे बड़ी बात है वो है रूपी पेमेंट टू बी एक्सेप्टेड अंडर एफटीपी स्कीम, तो इफेक्टिव स्टेप्स टुवर्ड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। अब यहां पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत फोकस डाल रही है अपनी करेंसी को, इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके सेटल करने के लिए, एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने 11 जुलाई 2022 को भी यहां पे वॉस्टो अकाउंट का एक चालू किया था आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से, जो अभी थोड़ा सेटअप हो रहा है कुछ कंट्रीज के अंदर और ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में इससे इफेक्ट ये होगा कि रूपी के अंदर भी इंटरनेशनल ट्रेड चालू हो जाएगी, जिस तरीके से हम डॉलर और यूरो में करते हैं उसी तरीके से बाद में ये भी एक्सेप्टेड रहेगा। जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। दोस्तों यूपी, मैंने हमेशा यूपी को हब माना है रिसोर्सेज के लिए, यूपी को हब माना है टैलेंट के लिए, यूपी को हब माना है एक आर्ट एंड वर्किंग के लिए। यहां पे 4 नए टाउन जो हैं उनको एज एन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस एक्सपोर्ट के लिए डिक्लेयर किया गया है, जो 4 यूपी के हैं, जिसमें फरीदाबाद अपैरल के लिए, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट के लिए, मिर्जापुर जो आप लोगों ने कालीन भैया को याद किया होगा हैंडमेड कारपेट एंड दरी, एंड वाराणसी हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। तो ये 4 ऐसे टाउन है जिन्हें एक्सपोर्ट एक्सीलेंस से अवार्ड किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। इसके पहले 39 टाउन और हैं, उसमें अब ये 4 और एड होंगे। तो ये क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर किया गया है। मुरादाबाद का हम सभी को पता है कि मुरादाबाद हब है पूरे हैंडीक्राफ्ट के लिए, खास करके जो ब्रास से जो चीजें बनती हैं वो काफी फेमस है वहां पे। इसके अलावा एमएआई मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम की यहां पे बात की गई है, जिसे और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर ये मिलता है तो उससे प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोजेक्ट जो है उनके मार्केटिंग कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जो भी सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए वो एनहांस होगी। थ्रू दिस स्कीम सच यूनिट्स कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विजिट वेरियस ट्रेड एग्जीबिशंस फेयर्स ऑफ एक्सप्लोरिंग मोर मार्केटिंग एवेन्यू। अब मार्केटिंग असिस्टेंस की जो स्कीम है दोस्तों वो
ट्रेड खास करके ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए है, यानी जहां पे भी एग्जीबिशन वगैरह लगेंगे वहां पे अगर आप विजिट करते हो तो उसके अंदर फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड की करेगी। कॉमन सर्विसेज के ऊपर कुछ और फैसिलिटीज हैं। अब इसमें ओडीओपी जो था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके, तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट एक एक्सपोर्ट हब, इसका भी मेरा एक वीडियो है जरूर देखिएगा, जिसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रमोशंस पार्ट जो है वो किए हैं। और गवर्नमेंट ओडीओपी एंड डिस्ट्रिक्ट एक एक्सपोर्ट हब के तहत कोशिश कर रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एटलीस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा हो, अच्छी क्वालिटी का है और जिसे ट्रेड किया जा सकता है और वहां के लोकल लोग उसे ट्रेड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को भी गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एमेजॉन हो, ईबे हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सब फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी होते हुए भी राइट नाउ द ऑथोराइज्ड एंड द अथॉरिटी पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को और बढ़ावा दे रही है। तो उसमें अलग अलग तरीके की वो जो भी उसके अंदर आप बोल सकते हो कि फैसिलिटीज हो सकती है वो दे सकती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू लिमिट फॉर एक्सपोर्ट थ्रू कोरियर इज इंक्रीज टू 10 लाख रुपीज पर कंसाइनमेंट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि पर कंसाइनमेंट का अगर आप देखते हो कि वो भी कोरियर के थ्रू और 10 लाख रुपए तक का आप भेज सकते हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट होती है। दूसरा है डाक निर्यात। ये इसके अंदर भी अब ये डाकघर निर्यात के अंदर ओपन कर रहे हैं जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस एफपीओस के थ्रू रहेंगे और ये क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के अंदर सभी चीजों के अंदर जिस तरीके से कोरियर सर्विस है, तो ये गवर्नमेंट पोर्टल जो है डाक निर्यात उसे भी अब ये लोग और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। इसके साथ में कुछ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे जहां पे वेयर हाउस की फैसिलिटी हो, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी स्टॉकिंग के लिए, कस्टम क्लियरेंस के लिए, रिटर्न पर्पस के लिए जो भी फैसिलिटी हो वो उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इन्होंने कॉमन सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को किया है। इसके अलावा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ ऑल टाइप आप देख सकते हो यहाँ पे। एक चीज जो है कि डेयरी सेक्टर टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट डेयरी सेक्टर टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो जो लोग डेयरी सेक्टर से अटैच्ड हैं उन्हें ये वापस यही फैसिलिटी, यही बेनिफिट जो है वो कंटिन्यू है उनका। इसके अलावा बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ ऑल टाइप, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड रेन वाटर फिल्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन आर एडेड टू ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो अब ये आप लोगों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में कौन कौन से आ गए, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑफ ऑल टाइप, वर्टिकल फार्मिंग के इक्विपमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट, रिसाइकलिंग के इक्विपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड रेन वाटर फिल्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे के सारे अभी ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में आ गए हैं। विल नाउ बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड अंडर ईपीसीजी स्कीम। तो जो ऑब्लिगेशंस होते थे जहां पे और ज्यादा चीजें लगती थी वो अब यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। स्पेशल एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्ट ऑफ अपेरल क्लोथिंग सेक्टर बेसिस टू प्रमोट एक्सपोर्ट, नॉर्म्स वुड बी फिक्स्ड विद टाइम फ्रेम। तो अपेरल के ऊपर भी गवर्नमेंट और जोर दे रही है इस पार्ट के ऊपर काम करने के लिए। सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम लाई गई है इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के लिए, एक्सटेंडेड टू 2-star एंड अबव स्टेटस होल्डर की जो अपने आप के अंदर वो कर सकते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स आर बीइंग इंक्लूडेड फॉर डबल वेटेज फॉर कंटिन्यूइंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टेटस हाउस सर्टिफिकेशन। तो यहां पे एक कोशिश ये की गई है कि जो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में काम कर रहे हैं उन लोगों को स्टेटस हाउस एक्सपोर्ट, मतलब उनको एक स्टेटस के अंदर लाया जाए, तो उसके लिए यहां पे डबल वेटेज सिस्टम, यानी अगर आपने 1 टन माल किया तो आपको 2 टन का जो है यहां पे आपका काउंटिंग रहेगा। दिस इज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग एमएसएमई सेक्टर वो ऑल्सो गेट डबल वेटेज। तो ये ऑलरेडी एमएसएमई सेक्टर के साथ में था बट यहां पे इन्होंने इसे अलग से जो है एफटीपी पॉलिसी में लिया है और ये अपने आप में बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वालों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट ये है। इसके अलावा कुछ और जो पॉलिसीज बोल सकते हो आप गवर्नमेंट की तरफ से जो अलग अलग कंट्रीज के साथ में, क्योंकि ये सिर्फ हाईलाइट के ऊपर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मेन जो हाईलाइट है एफटीपी के अंदर अगर हम बात करें तो नंबर वन कि यहां पे स्टेटस होल्डर का जो बात है
उसके ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्टर जो है वो स्टेटस हाउस एक्सपोर्टर के तौर पे आगे आए, और उससे बहुत बड़ा बदलाव बनता है, क्योंकि जब आप स्टेटस के अंदर आते हो तो आपको भी समझ में आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से और क्या फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं। नंबर टू, ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसी बूस्टिंग टेक्नोलॉजी बन चुकी है अभी इंटरनेशनल के लिए भी, नेशनल के लिए भी, कि सारी कंपनीज जो है वो अब ई कॉमर्स पे आ रही हैं, तो यहां पे कुछ अलग से बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ नए टाउन जो हैं उन्हें एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में लिया गया है, ऑलरेडी 39 थे, तो अब ये आप लोगों का भी काम है कि अगर आप अच्छे से एक्सपोर्ट अगर अपने टाउन से करते हो तो आपका टाउन भी जो है वो एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में आ सकता है। ओडी ओपी एंड एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब एंड ओडीओपी, इस स्कीम के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है, और उसका रीजन एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर ओडीओपी से अगर एक टाउन का अगर विकास होता है, डिस्ट्रिक्ट का विकास होता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड नंबर फिफ्थ, कि अब गवर्नमेंट खुद जो उसके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उन्हें काफी फास्ट करने में लगी हुई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्टर स्टार्टअप एक्सपोर्टर है, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है, उन्हें सपोर्ट मिले, और नए स्टार्टअप एक्सपोर्टर जो हैं उन वो लोग भी आगे जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से ये की हाइलाइट्स थे, और इसमें भी अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय के अंदर हम एक एक करके आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करते जाऊंगा। फिलहाल आप लोगों के लिए जो हाइलाइट्स थे वो समझने की जरूरत थी। अगर आप नए हो और इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू अपने नॉलेज प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हो तो एक्सिम बिजनेस एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों कुछ नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में लेके आ रहे हैं इस स्क्रीन के थ्रू। अब ज्यादा से ज्यादा जो वीडियो जो आपके नॉलेज प्रोसेस के लिए इसी पे रहेगा, और यहाँ पे कोशिश हमेशा मेरी एक ही रहती है कि आप लोगों को एक रियल मैनर के अंदर नॉलेज मिले, ताकि आप लोग आगे बढ़ो, ताकि आप लोग अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल तक लेके जा सको, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।